अनुपमा के लिए देविका सिर्फ उसकी दोस्त ही नहीं, बहन जैसी है और अनुपमा के हक के लिए बहुत जल्द देविका आपको वनराज के आगे आवाज़ उठाते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, स्टार प्लस के शो अनुपमा में आपको देखने के लिए मिलने वाला है हाई वोल्टेज ट्विस्ट, जिसमें देविका करने वाली है वनराज की नाक में दम। और अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अनुपमा से मिलने के लिए देविका उसके घर जा रही होगी, जहां उसकी मुलाकात वनराज से होगी और वनराज को वार्निंग देकर देविका ये कहती आएगी नज़र कि तुमने अनु को बहुत परेशान किया है, उसे मेंटली टॉर्चर किया है। अगर तुमने अनु के साथ फिर से इस तरह का बिहेव किया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देविका की धमकी सुनकर वनराज के होश उड़ जाएंगे और इस धमकी के बाद आपको नज़र आएगा वनराज में बहुत बड़ा बदलाव और घर आकर वो अनुपमा के सामने घुटने पर बैठकर उसे दोबारा शादी के लिए प्रपोज करेगा और पिछली सभी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगेगा। अब ये सारा सीन होने वाला है काव्या के सामने, जिसके बाद ये देखना होगा बेहद मज़ेदार कि अब बेचारा वनराज से बचाएगा काव्या के गुस्से से खुद को। We'll be right back.